रिंकू सिंह को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर बुरी तरह भड़के फैंस। धोनी जैसे फिनिशर को टीम इंडिया में मौका न देकर बीसीसीआई ने कर दी बड़ी गलती। रिंकू सिंह ने आईपीएल में कई मौकों पर अपनी टीम को जिताए हैं। अहम मुकाबले भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। 12 जुलाई से उनके दौरे का आगाज टेस्ट मैच के साथ होने वाला है। इस टूर पर टीम इंडिया 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेलने वाली है। टेस्ट और वनडे की टीम की घोषणा पहले हो चुकी है, जबकि टी20 का ऐलान हो गया। इस बार भी टी20 टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं मिल पाई। हालांकि आईपीएल में तहलका मचाने वाले तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को पहली बार टी20 में चुना गया है। इसके अलावा आवेश खान की भी टीम में वापसी हुई है, लेकिन जिसका नाम फैंस सबसे ज्यादा स्क्वाड में देखना चाहते थे, उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह, जिन्हें सेलेक्टर्स ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी से भी खतरनाक फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना। रिंकू सिंह को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना जाना बेहद चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि इस बल्लेबाज ने वो किया था जिसे भारत का कोई भी बल्लेबाज सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस खिलाफ एक आईपीएल मैच में आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। रिंकू सिंह जैसा कमाल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। तभी से ये मांग उठने लगी थी कि रिंकू सिंह को तुरंत टीम इंडिया में शामिल किया जाए। रिंकू सिंह को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर क्रिकेट फैंस आग बबूला हो रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने सिलेक्शन कमेटी में मुंबई लॉबी के असर पर भी कटाक्ष किया। भारत की टी20 टीम में एक फिनिशर की कमी है, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह को सिलेक्टर्स ने मौका नहीं दिया। क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह की तुलना धोनी से करते हुए रिकॉर्ड शेयर किए हैं। फैंस ने रिंकू सिंह की अनदेखी को टीम इंडिया के लिए घाटा बताया है। रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 के 14 मुकाबलों में 150 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए थे। रिंकू सिंह को साल 2018 में केकेआर की टीम ने 80 लाख रुपए में खरीदा था। रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरफ से 40 फर्स्ट क्लास मैचों में 2875 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 19 अर्धशतक शामिल है। रिंकू सिंह ने 50 लिस्ट ए मैचों में 1749 रन बनाए। रिंकू सिंह ने लिस्ट ए में 1 शतक और 16 अर्धशतक भी लगाए हैं। रिंकू सिंह 4 महीने बाद वर्ल्ड कप 2023 में वैसे ही टीम इंडिया को ट्रॉफी दिला सकती है, जैसे धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को 28 साल बाद चैंपियन बनाया था। जब भी ये खिलाड़ी पिच पर कदम रखता है तो अपने तूफानी बल्लेबाजी से हारी हुई बाजी भी जिता देता है। इस खिलाड़ी के रूप में टीम इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी से भी खतरनाक फिनिशर मिल गया है, जिसकी उसे सालों से तलाश थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की टी20 टीम में उसे शामिल न करके बीसीसीआई ने अपने पैरों पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी जरूर मार। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।